नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर, पहले वो बेल्जियम गए, उसके बाद वो अमेरिका में हैं, अमेरिका के बाद वो सऊदी अरब जाएंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की 5 दिवसीय इस विदेश यात्रा पर पूरे देश की निगाह है, साथ में पूरे विश्व की भी निगाह है। बेल्जियम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि विश्व को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका में भी उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन इसके बाद जब सऊदी अरब जाएंगे तो वो भी काफी अहमियत रखता दिखाई देगा और वहां 2 दिन वो रुकेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे न्यूजीलैंड में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पर हैं। पहले बेल्जियम गए। बेल्जियम की यात्रा काफी मायने रख रही थी। वजह उसकी यह है कि कुछ दिन पहले ही ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने जो इसमें जिनकी मौत हुई थी उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की, लेकिन पैगाम दिया उन्होंने और कुछ पैगाम ऐसे थे जिससे विश्व को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म या मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता और उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बातचीत और शांति की राह पे चल करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। इसके बाद वो अमेरिका दौरे पर हैं, अमेरिका के बाद वो सऊदी अरब भी जाएंगे। क्या मायने हैं उनके इन 3 देशों के दौरे के, ये इसी को हम केंद्र में रख करके अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। अपने पहले पड़ाव में मोदी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स गए और अपने दूसरे पड़ाव में मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। आखिरी पड़ाव में वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बेल्जियम की करें तो पीएम मोदी की बेल्जियम यात्रा काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ब्रसेल्स में पिछले हफ्ते 3 आतंकी धमाके हुए थे, ऐसे में पीएम मोदी सबसे पहले ब्रसेल्स गए, इस लिहाज से उनकी यात्रा को काफी अहमियत दी जा रही है। पीएम मोदी ने ब्रसेल्स में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपनी बेल्जियम यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने सभी देशों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया, लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है और इसलिए समय की मांग है कि जो भी मानवता में विश्वास करते हैं, दुनिया की उन सारी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। साथ ही भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को शांति के साथ सुलझाए जाने की बात कहते हुए ये पैगाम भी दिया कि हर समस्या का समाधान शांति के रास्ते पर चलकर निकाला जा सकता है। किसी भी प्रकार की गोली चले बिना, किसी भी प्रकार का संघर्ष हुए बिना बांग्लादेश के साथ बैठ करके सीमा का विवाद समाप्त हो गया। भारत में जिनको आना था वो भारत में आ गए, जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश हो गए, सीमा तय हो गई। अब वहां फेंसिंग लग जाएगी, घुसपैठ का जो बीमारी है वो भी बंद हो जाएगी और दोनों देश सुख चैन से जिंदगी गुजारेंगे। फिलहाल पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। मोदी का वहां परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम भी है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भी कई दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिकी यात्रा के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे पर भी जाएंगे। सऊदी में मोदी कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन पीएम की होने वाली सऊदी अरब की यात्रा को भी बड़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीएम की इन 3 देशों की यात्रा काफी अहमियत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं और 5 दिवसीय यात्रा है, काफी अहमियत रखती है उनकी ये यात्रा। बेल्जियम गए, बेल्जियम में उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को छूने की कोशिश की, हालांकि मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि ब्रसेल्स में पिछले दिनों आतंकवादी हमले हुए थे इसलिए आतंकवाद के मुद्दे को छूने की कोशिश की। विश्व को पैगाम दिया कि एकजुट होकर के, एक साथ मिल बैठ करके
साझा कार्यक्रम तैयार करके आतंकवाद की चुनौती को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद वो अमेरिका गए जहां चौथे परमाणु सुरक्षा समिट में शिरकत करने का भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं वाशिंगटन में। इसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे, 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब जाएंगे। वहाँ के शाह सलमान ने उन्हें दावत दी थी जिसे कबूल किया है। वहाँ भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और ख़ास करके सऊदी अरब में जो भारत के लोग काम करते हैं उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं, चूँकि वहाँ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को हम छूने की कोशिश करेंगे अपने इस परिचर्चा में जो न्यूज़लाइन में हम लेकर के आ रहे हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी अहमियत आखिर क्या है और कितना फ़ायदा हमें मिलता दिखाई देगा इस दौरे से। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं अनुज आत्रे, जो कांग्रेस के नेता हैं। अनुज आत्रे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरबी उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी संदीप द्विवेदी बहुत बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र जायसवाल, जो बीजेपी के नेता हैं, शैलेंद्र जायसवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले कि पार्टी नेताओं से बात करें और जानने की कोशिश करें, हम क्यों ना निष्पक्ष विश्लेषण ले लें शुरुआत में, ताकि हम समझ सकें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं संदीप द्विवेदी से। संदीप द्विवेदी, इन 3 देशों की जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके क्या मायने हैं? देखिए, ये तो एक मोदी की पहले से प्लान की हुई यात्रा थी, क्योंकि इन्हें जो परमाणु सुरक्षा परिषद की बैठक है उसमें इन्हें जाना था जी। एक इसमें यहाँ मोदी की स्मार्टनेस ये कही जाएगी कि इन्होंने एक 5 दिवसीय यात्रा प्लान की और 3 उन देशों को चुना जो कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे इन्होंने ब्रसेल के ब्लास्ट की वजह से वहां पे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिकली जा पहले भी रहे थे, लेकिन ब्लास्ट की वजह से इन्होंने अपना जो बजट है उसको कैंसिल ना करके अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी। ये इनके लिए बहुत सराहनीय कदम है। अगर यही बराक ओबामा अगर ये कहीं और किसी की यात्रा हो सकती तो हो सकता है वो इसको कैंसिल कर देते। दूसरी चीज, वहां पे जाके इन्होंने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो दुख दर्द है इंडिया में, जो आतंकवाद की वजह से हम लोग जो दुख झेलते हैं, उसको वहां जाके बांटने की कोशिश की, और कोशिश की कि हम आप जब हमारे दुख दर्द में साथ होते हैं तो हम आपके साथ हैं जी। दूसरी चीज, यूएस के साथ कहीं ना कहीं अभी थोड़े से रिश्ते गर्म चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को अभी कुछ उन्होंने हथियार बेचे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएस के साथ एक तो एनआरआईस को जो इंडियंस वहां पे हैं उनको सपोर्ट में लेना है जिससे कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, और दूसरा साथ में कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर भी अमेरिका से डिस्कस करना है जो द्विपक्षीय वार्ता होगी भी, लेकिन जो जी सुरक्षा, माफ कीजिएगा, परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर जो और देशों के लोग वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी। तीसरा अगर सऊदी अरब की बात करो तो बीच में कुछ ऐसे मुद्दे आए जहां पे कहीं ना कहीं जो इंडियन समुदाय के लोग वहां पे काम करते हैं उनको लेके लगा भारत को कि हमें सऊदी अरबियन कंट्रीज से अपने रिश्ते और मजबूत करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और आप देखिए, सुषमा जी की कूटनीति भी इतनी अच्छी रही है कि सऊदी अरबियन कंट्रीज से मुझे लगता है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा सबसे अच्छे रिलेशन हमारे इस समय है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है मोदी जी इस यात्रा में, एक सिर्फ समिट को अटेंड करके वापस आने की अपेक्षा उन्होंने समझा कि 3 देशों में विजिट करके और इसका फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आरबी उपाध्याय, क्या आप सहमत हैं संदीप द्विवेदी के बयान से? देखिए, बट नेचुरल है, जब हम किसी देश की यात्रा पे करने जाते हैं तो फिर वहां से आने का तो उसका आकलन भी होता है कि ठीक है समझौते होते हैं लेकिन इंप्लीमेंट कितने हुए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जी, अभी तक मोदी जी ने जितने देशों की यात्रा की है, 34 देश, अच्छा जी, हाँ, वो अच्छा आंकड़ा मैं बता दूंगा। हाँ, तो वो अच्छा कदम है, ठीक है, आने जाने संबंध मधुर होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी बनती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो यात्राएं हैं उनका उद्देश्य आर्थिक पहलू बहुत जबरदस्त है जी। और मोदी जी जाते हैं तो वो भी ये कोशिश करते हैं कि भी FDI आए और दूसरे सोर्स से पैसा यहाँ पर आए, तो लेकिन वो आता कितना है वो बिल्कुल, जैसे इजाफा तो हुआ है FDI में? नहीं, इजाफा हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ, मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ और भाई बहुत ज्यादा हो गया, ये नहीं है, आकलन किया जाता है उसका। हाँ, तभी यात्रा को हम सफल कह सकते जी, हैं। ठीक है, आप देखिए अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मन, जितने भी देश हैं आज, वो आते हैं, उनके राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं यहाँ पर, वो अपना सामान बेच के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने कंट्री को एक्चुअली फेवर करते हैं।
पहले होता था कि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ एक स्वादपूर्ण वातावरण में बातचीत करते हैं और संबंध मधुर करते हैं, आज सब कुछ डिपेंड टोटली एक्चुअली में फाइनेंस के ऊपर हो गया है। बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ हैं वो ही फाइनेंस के ऊपर जोर दे रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस कंट्रीज को अपना माल एक्सपोर्ट का कर पाएँ और वहाँ अपना पैसा हम ला पाएँ, विदेशी मुद्रा का हमारा भंडार बढ़े, और वो देश हित में भी है, देश में मजबूती भी उससे आती है। लेकिन हम ठीक है, FDI हमारा बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में हम अभी भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मैं मानता हूँ ये और अच्छी और सक्सेस यात्रा होती अगर हमारा एक्सपोर्ट के उस पर कहीं ना कहीं हम एक अच्छा परफॉर्म करते और हम वहाँ अपना सामान जी। चलिए, आकलन की जरूरत है, लेकिन अभी तो दौरे पे हैं, फिर देखते हैं दौरे के बाद क्या कुछ निकल करके सामने। पिछले दौरों में भी एक्चुअली जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी एक्सपोर्ट में कोई हमारे इजाफा अभी तक देखने नहीं आ रहा। शैलेंद्र जाय सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के बाद भारत को कितना फायदा और कितना लाभ मिला है अब तक? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी दंतेवाड़ा में CRPF के जो जवान शहीद हुए हैं जी, और आज की तत्कालीन घटना है जो कलकत्ता के अंदर जिस प्रकार से पुल जी बिल्कुल उसमें जी, जो हताहत हमारे बंधु हुए हैं जी, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ जी, सबकी तरफ से होनी चाहिए जी। और एक अपने आज के रोमांचक मैच में भारत विजय हो ऐसी शुभकामना अपने पूरे पैनलिस्ट की तरफ से और S1 चैनल की तरफ से भी और देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं जी, पूरे और देशवासियों की यही शुभकामनाएं जी। निश्चित रूप से भारत विजय हो। चलिए, जहां तक सवाल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा की जी, 34 देशों का और कहें तो वो 40 देश यानी कुछ देश जो दो दो बार हो गए जी, उनकी यात्रा ही एक अपने आप में इस बात का एक प्रमाण है कि किन परिस्थितियों में और किन समय के अनुसार यानी इस दो वर्ष की मोदी जी की सरकार जी जिस विषयों को लेकर के इस देश के अंदर अपनी केंद्र की सरकार चल रही है, सामयिक सामरिक आंतरिक आर्थिक उन सब मुद्दों पर ये जो 34 देशों की यात्रा रही समय समय पर, मैं समझता हूं अब तक की यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की इन सालों में सबसे अहम और सबसे मजबूत देश का प्रधानमंत्री विश्व का एक ऐसा युग पुरुष निखर के आया है। देश को फायदा क्या हुआ? फायदे पर भी आ रहे हैं जी, जाहिर सी बात है विदेश दौरा होगा फायदे के लिए, तो फायदा क्या होगा? फायदे भी करते थे जी बिल्कुल। चलिए बोल लेने दीजिए, फिर आएंगे फायदे पर एक एक करके जी बिल्कुल। मैं ये इस बात को रखना जरूरी है, आपने चर्चा की बेल्जियम की, लेकिन इससे पूर्व की भी चर्चा कर ले थोड़ी सी। चलिए ठीक है, हमारी विदेश नीति और माननीय प्रधानमंत्री जो पिछले UPA की सरकार थी, कितनी यात्राएं विदेश की हुई, क्या वहां आप उससे कंपैरिजन नहीं कर रहे? बिल्कुल, आप फायदा पहले गिना, फिर अनुज यात्रा से भी हम पूछ लेंगे क्योंकि कांग्रेस उन यात्राओं में प्रधानमंत्री जाते थे साइलेंट मौन, अपने देश की अस्मिता के साथ किस प्रकार से, जो अमेरिका इसी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के काल में अमेरिका का वीजा देने से भी मना करता रहा, आज वो रेड कार्पेट बिछा करके प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है, बाहों में बाह डालकर आंख मिलाना तो दूर, अपना निवेश करने के लिए भारत साथ भाई है। अमेरिका F-16 भी दे देता है पाकिस्तान पाकिस्तान को हथियार, लेकिन वही अमेरिका F-16 भी दे देता है अमेरिका, वही अमेरिका दे रहा है। चलिए बोल दीजिए, मेरा ये कहना है जिस प्रकार से ये बेल्जियम जी अमेरिका और सऊदी अरब की यात्रा है, निश्चित रूप से अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुना होगा, भारत आतंकवाद का शिकार है बिल्कुल, भारत चारों तरफ से कहीं ना कहीं सामरिक रूप से घिरा हुआ है महसूस कर रहा है, उसके बावजूद भी भारत विदेश में जाने के बाद मानवता की बात करता है, भारत के प्रधानमंत्री का विश्वास है कि भारत एक केवल भूभाग नहीं है, भारत एक इस भारत की जननी है, ये भूभाग नहीं, भारत के तमाम प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के दौरान मानवता की ही बात करते रहे, लेकिन जिस प्रकार से जाके अमानवीय बात नहीं की है विदेश पूरे में। जिस प्रकार से आतंकवाद के साथ पूरे देश को कटिबद्धता के साथ खड़ा किया है, वो आतंकवाद तो झेल रहे हैं अभी भी, जिस प्रकार से भारत केवल आतंकवाद को अपने देश के अंदर झेल रहा था, आज धीरे धीरे वो पूरे विश्व के लिए एक श्राप बनता जा रहा है जी। तो ये विषय ले जाना भारत की धरती से,
मैं समझता हूं निश्चित फायदा आपकी नजर में क्या हुआ? फायदा यह है कि आज आतंकवाद केवल भारत की नहीं पूरे विश्व के मानवता के लिए खतरा है और विश्व का सभी देश हमारा क्या फायदा है? फायदा है ना नहीं इसमें हमारा क्या फायदा ये बढ़ गया। चलिए ठीक है हम आएंगे आपके पास हम फायदा तलाश रहे थे कि आखिर क्या क्या FDI कितना बढ़ा हमारा लेकिन हमारा निर्यात कितना घटा ये सब चीजें हैं ये सब सारी चीजें निवेश तो आए हैं विदेशी निवेश आए हैं वो मैं भी कर रहा हूं जापान के लोगों ने निवेश किया है अमेरिका ने निवेश करने के लिए वचनबद्ध है ऐसे अनेकों देश अगर उनके जाने से पेट्रोल और डीजल के दाम बैरल के दाम घटने लगे हैं सऊदी अरब के लोग उनकी उनके साथ एक समझौता पूर्ण बात करके अपने साथ आने लगे हैं जो घटे हैं वो भी विश्व की आर्थिक नहीं चलिए ठीक है हम आएंगे अनुज यात्री जी जी आरबी उपाध्याय जाहिर सी बात है हम सबसे पक्ष ले लें पहले उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अनुज यात्रे कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन दो साल हालांकि हुए नहीं है 34 देशों की यात्रा हो गई उनकी प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं उनका जिस तरह से वेलकम होता है शायद आप इससे भी नहीं आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं और रही बात फायदे की तो आप क्या देखते हैं? देखिए ये अभी मैं जायसवाल जी को सुन रहा था तो थोड़ा हंसी भी आ रही थी आप सब भी हंस रहे थे तो उनकी बातों पे हमें भी हंसी आ रही थी। ये कह रहे थे कि जी मोदी जी की बात कर रहे थे कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया। इंटायर बात करें ठीक है ना जी और आज ही वो खुद ही अपने आप ही बोल रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए रेड कारपेट बिछ गया व्यक्ति वही है तो इनको ध्यान होना चाहिए कि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत हो रही है या देश के प्रधानमंत्री के पद पर जब वो बैठे उसकी इज्जत हुई है उस प्रधानमंत्री पद के लिए जब वो पहले दिन बैठे हैं उसकी इज्जत पहले से बन चुकी थी प्रधानमंत्री पद की विदेशों में। हमारे कांग्रेस के शासनकाल के प्रधानमंत्री जब जाते थे उससे पहले की सरकारों के जो प्रधानमंत्री ने देश में जो छवि बनाई है तो उसी की छवि का फायदा इनको मिला है जो विदेशों में जाके इनके लिए रेड कार्पेट बिछे नहीं तो नरेंद्र मोदी जी तो नरेंद्र मोदी तब भी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे इनको वीजा तक नहीं मिला था। नंबर एक नंबर दो जिस मुखर अंदाज में अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसे प्रधानमंत्री का हवाला दें जो ऐसे ही रखते थे अपनी बात जाकर विदेश में अपना एक और इस तरह से स्वागत भी होता था अपना स्टाइल है अपना वर्किंग स्टाइल है इस तरह का स्वागत तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का स्पेशली भारत हमारा एक मजबूत लोकतंत्र है हम किसी भी देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं जाते रहे हैं या आगे भी जाएंगे उनका इसी रूप से स्वागत होगा और उससे बढ़कर स्वागत होगा। क्या तो इसी अंदाज में अपनी बात रखते थे देश की बात रखते थे विदेशों में जाकर बात रखते थे तभी हमारा देश कोई बात कोई नरेंद्र मोदी ने किया हालिया 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 दौर के प्रधानमंत्रियों में से किसी एक प्रधानमंत्री के बारे में 12 महीने में मजबूत नहीं हुआ है। मोदी जी पहले महीने जब पहली बार यात्रा उन्होंने विदेश की थी तब भी कोई वो देश उससे पहले मजबूत हो चुका था तभी उनका स्वागत हुआ था कोई इसलिए नहीं स्वागत हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जो है देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आइए आपका स्वागत है विश्व के अंदर भारत की जो आज छवि है ये देश का छवि है ये देश का स्वागत होता है राष्ट्रीय के समय अनुज यात्रे को बोल जी अनुज यात्रे अपनी बात पूरी करें। रही बात विदेश भ्रमण की ये तो सर्वविदित है कि जिस दिन से पहले दिन से मोदी जी ने अपना चार संभाला है हमारी तो मांग रही है और हम आज भी मांग करते रहे हैं कि क्यों आप एक विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री को बढ़ा रखे खर्चा बिना बात पे बढ़ा रहे हैं आप अपने पास सऊदी अरब जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैसे देखते हैं विदेश मंत्रालय यात्रा सऊदी अरब जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी दो दिनों के लिए आप कैसे देखते हैं इसे? ठीक है अच्छी बात है किसी भी देश में यात्रा करना जाना अच्छी बात है देशों में हमें संबंध अपने मधुर रखने चाहिए दूसरे देशों के साथ। सऊदी अरब हमारा एक मजबूत देश है और हमारा एक विश्वसनीय हमारा सहयोगी है हमारे उनसे मधुर संबंध पहले भी रहे हैं और अगर ये संबंध और इनको आगे प्रगाढ़ होते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि सऊदी अरब से हमारा काफी एक पुराना नाता रहा है और आगे भी हमारी उम्मीद रहेगी कि बहुत से हमारे लाखों हमारे हिंदुस्तानी वहां पर निवास करते हैं और हमारा उनसे एक व्यावसायिक रिश्ता भी है और लोग यहाँ पे लाखों लोग हमारे देश से जाते हैं हर साल वहाँ यात्रा हज यात्रा पे भी जाते हैं तो तकरीबन 34,000 से 40,000 के बीच में लोग वहाँ जाते हैं हज यात्रा में हज यात्रियों के लिए भी जाते हैं सहूलतें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है ये अपना दायित्व अगर निभाने जा रहे हैं तो स्वागत योग्य है उसमें कोई बुराई नहीं है हम तो कहते हैं जी। संदीप द्विवेदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी अगर नेताओं की बात करें जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा नेता ऐसा था जिसने मोदी जी की तरह अपना एक व्यक्तित्व बनाया अगर आप भारत के अभी तक के पूरे कार्यकाल को देखिए तो मुझे लगता है कि इंदिरा और अटल के बाद मोदी जी तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दुनिया
रेड कारपेट बिछा के स्वागत करती है। कहीं ना कहीं इंदिरा एक दबंग और एक अच्छी छवि की स्ट्रांग छवि की लीडर थी। इसके बाद तो वही छवि वाजपेयी जी किसी भी कंट्री में जाएंगे, जो हमारे देश में आएंगे या बाहर जाएंगे, कि कल्चर है रेड कारपेट बिछाना और व्यक्ति का सम्मान करना, दोनों में बहुत अंतर है। सम्मान देश इंदिरा इंदिरा जी इतने बड़े बड़े भोज, इतने बड़े बड़े सम्मेलन, इतने बड़े बड़े वहां के एनआरआईओ द्वारा स्वागत, ये शायद विश्व में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का। संदीप द्विवेदी को बोल लेने दीजिए, बोलिए संदीप द्विवेदी। अगर आप देखिए तो बोलिए, मोदी को या अटल जी को या इंदिरा जी को कंपेयर कीजिए तो कहीं ना कहीं इंदिरा जी ने जो रणनीति बनाई और जिन पॉलिसीज पे आगे बढ़ी, उन्हीं को कहीं ना कहीं अटल जी ने आगे बढ़ाया और वही कहीं ना कहीं अब आके नरेंद्र मोदी भी फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडियंस को, एनआरआईस को साथ में लेके चले। संदीप द्विवेदी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरा ख्याल से आप ज्यादा निष्पक्ष तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे भी, ताकि दर्शक हमारे समझ सके। 34 देशों की यात्रा 2 साल में, अगर मेरे पास एक आंकड़ा है उसके मुताबिक 8 साल बराक ओबामा ने 8 साल में 53 देशों की यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल में, अभी 2 साल हुए भी नहीं है, 34 देशों की यात्रा की, यानी कि काफी बड़ा है। तो अगर इसको मतलब आंकड़े को और अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो ओबामा के मुकाबले 4 गुना तेजी से विदेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फायदा कितना मिला? देखिए इस समय अगर आप परिस्थितियां देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब देश की सत्ता की कमान संभाली थी एज ए प्रधानमंत्री, जब उन्होंने इंडिया को संभाला था, तो कहीं ना कहीं पिछले जो 10 साल का मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अच्छी लॉबिंग नहीं की थी कि इंडिया को एक बहुत अच्छे राष्ट्र के तौर पर उभार पाते। मोदी जी की एक खुद खुशकिस्मती है कि इनके सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जो पूरी दुनिया जूझ रही थी, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा असर अमेरिका और रसिया के ऊपर भी पड़ा। अब इनकी निगाह फिर इंडियन इकोनॉमी की तरफ गई कि इन्हें हमें कहीं ना कहीं इंडिया के साथ व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे जहां से हम कहीं ना कहीं पैसा ला सकते हैं। इंडिया मजबूत और वही उसी अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया। आज अगर आप देखिए सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था चाइना और इंडिया की है। धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, धरातल पे काफी कुछ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है, उसमें काफी देश राष्ट्रों ने कंप्रोमाइज किया। आप अगर बुलेट ट्रेन की बात कीजिए, अमेरिका हमारे लिए बुलेट ट्रेन बना रहा था लेकिन पैसा हमसे ले रहा था, रसिया हमें बना के देता वो भी हमसे कहीं ना कहीं लोन दे रहा था, लेकिन जापान भी हमें लोन दे रहा है लेकिन पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस तरह के जो समझौते हैं कहीं ना कहीं ये कूटनीति की बदौलत ही हैं और कहीं ना कहीं कई ऐसे समझौते हैं। आपका फ्यूल के ऊपर जो सरचार्ज कच्चे तेल के ऊपर से हटा है सऊदी अरब कंट्रीज में, ये भी हमारे लिए एक अच्छा है। ऑन अराइवल वीजा कई कंट्रीज ने हमें देना शुरू किया है, ये भी एक अच्छी मोदी जी की रणनीति है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर को साथ में लेके नहीं चलते हैं, या ये कहिए कि जाके फॉरेन मिनिस्टर सब कुछ डील फाइनल करती हैं और ये जाके सीधा घोषणा करके वापस चले जाते हैं, ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है चिंतनीय। बिल्कुल, और अटपटा भी लगता है, जाहिर सी बात है। हम आएंगे, और भी मेहमान है, शैलेंद्र जी आपके पास भी आएंगे, आरबी उपाध्याय आपके पास भी आएंगे, लेकिन चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। पहले पड़ाव में वो बेल्जियम गए, बेल्जियम के बाद अमेरिका में है, अमेरिका के बाद वो सऊदी अरब में जाएंगे। क्या कुछ मिलने जा रहा है भारत को इससे, और क्या कुछ पहले मिला है भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से? आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल, हालांकि 2 साल नहीं हुए, 34 देशों की यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारी उम्मीदें लगाई भी जा रही हैं। हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने मेहमानों के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले तो हम संदीप द्विवेदी से पूछ रहे थे, अब चलते हैं शैलेंद्र जायसवाल के पास। शैलेंद्र जायसवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जब जाते हैं तो और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, हालांकि इस बार जो अमेरिका का दौरा है बहुत सारी चीजों के अलावा द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को कन्विंस कर पा रहे हैं? मैं आपको, आपके चैनल पर ही भी चल रहा था कि अमेरिका और भारत विश्व की एक सामरिक दृष्टि से उभरती हुई शक्ति ना कहें तो इसको एक स्थापित शक्ति के रूप में विश्व में है। बिल्कुल, भारत इस देश का सबसे लोकतांत्रिक देश है जी, विश्व का सबसे, और कहीं ना कहीं समूचे विश्व का भारत की तरफ एक लालायित दृष्टिकोण रहता है निर्यात करने का, और वो चाहते हैं कि भारत के साथ मेरा आयात और निर्यात का दृष्टिकोण बना रहे। चूंकि अमेरिका की इस बार की जो दौरा है परमाणु संधि के परमाणु को लेकर है, ये परमाणु सुरक्षा को लेकर पर है, ये समिट है, और जो परमाणु सुरक्षा के लिए खतरनाक औजार हथियार हैं, मुझे लगता है उनकी भी समाप्ति पर एक विषय, एक सेशन, और ये आवश्यक भी है, आवश्यक भी है, देश सुरक्षित होगा, विश्व सुरक्षित होगा, विश्व सुरक्षित होगा जी। भारत के प्रधानमंत्री की गत 2 वर्षों में ये एक अच्छी छवि कहिए या एक सोच रही है कि भारत सामरिक दृष्टि से एक मजबूत देश के रूप में उभरना चाहिए, और वो आर्थिक रूप से भी उभर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल विदेश की यात्रा करना प्रधानमंत्री का एक फैशन है। प्रधानमंत्री जिस विजन को लेकर विदेश में जा रहे हैं, एक लॉयन मेक इन इंडिया का सपना, भारत में भारत के लोगों द्वारा बनाया हुआ चीज और विदेशी पूंजी से बने जी। मैं देख रहा हूं FDI जिस प्रकार से भारत के अंदर निवेश करने के लालायित है, और भारत अपनी शर्तों पर निवेश करा रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो बीमा का क्षेत्र हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन का, यानी अनेकों प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है बेचारा। किसान का आत्महत्या करना, मैं आपको कहना चाहूंगा तो पिछले 2 वर्ष झांकने की कोशिश करेंगे, पिछले 2 वर्षों में जो घटना किंचित हुई है। शैलेंद्र जी, आपसे मेरा सीधा सवाल था कि क्या भारत अमेरिका को कन्विंस कर पा रहा है? फैजी भाई, मैं ये बात कहना चाह रहा था आपसे जी कि क्या 67 सालों का गड्ढा इन 2 साल में भरना चाहते हैं? 40 ऐसे घोटाले हैं इस देश में। 67 साल का नतीजा तो आपने देख लिया ना, आपको पूर्ण बहुमत मिल गया, कांग्रेस तो इसलिए 44 पे आ गई। इसलिए तो मैं कहता हूं, भाई चाह रहे हैं, अपने साथियों से कहता हूं धैर्य रखिए, अभी हमारे पास 3 वर्ष है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया था, 2 वर्षों में कोई भी मुद्दा ऐसा जो प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठा दे, 90 दिन मांगे थे प्रधानमंत्री ने, कितने घोटाले हुए। शैलेंद्र जी, मैंने सीधा सा सवाल किया कि अमेरिका से आकाश से लेकर बढ़ी है, अमेरिका से नजदीकी बढ़ी है, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं और आप भी इसकी वकालत करते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को कन्विंस कर पा रहे हैं? अमेरिका को कन्विंस नहीं, अमेरिका स्वयं में मजबूर होगा भारत के हितों के साथ भारत के संदर्भ में समझौता करने के लिए, और ये दिन दूर नहीं, अमेरिका भारत के जब होगा तब, आज की डेट तक जी, जब होगा तब, अभी क्या हुआ? आज पाकिस्तान को वो F-16 दे रहा है तो कहां फिर वो उसके व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन भारत के संबंधों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामरिक महत्व का भी मामला है जी शैलेंद्र जी, ये व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक मामला भी है जी। बिल्कुल, उतने नजदीक, उससे ज्यादा नजदीक वो पाकिस्तान को मजबूती से साथ दे रहा है। लेकिन अनुज आपके पास भी हम आएंगे, आपसे भी कुछ सवाल करेंगे, हम बोल लेने दीजिए शैलेंद्र जी को जी। शैलेंद्र जी, मैं जो इस 5 दिवसीय यात्रा है इसमें से निश्चित रूप से आशातीत हूं कि अमेरिका को अपनी सामरिक दृष्टिकोण, पाकिस्तान के प्रति जो उदारीकरण का या पाकिस्तान में जो सॉफ्ट कॉर्नर है, शायद उसको बदलना पड़ेगा। सऊदी अरब जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बड़ा अहम मामला है।
क्या अगर देश के अंदर के हालात को हम देखने की कोशिश करें, आप शायद इशारा समझ रहे होंगे हमारा, क्या मैसेज जाएगा वहां से? सऊदी अरब जिस प्रकार से जिधर आप संकेत कर रहे हैं, इस विश्व का एक सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी के दृष्टिकोण से और भारत के सामरिक रिश्तों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास इस देश के प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है और वो चाहते हैं कि मानवता पर चर्चा हो, धर्म पर संप्रदाय पर चर्चा ना हो, पूरे विश्व के धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता कहा है। इसलिए उन्होंने आतंकवाद को विश्व का समूचा एक समस्या बताया है और विश्वधैव कुटुंबकम के जिस प्रकार के स्लोगन को कृबंतो विश्व मारम के किस प्रकार के स्लोगन को विश्व में वो लहरा रहे हैं, मुझे लगता है सऊदी अरब जाने के पीछे भी उनका दृष्टिकोण यही होगा। हमारे और उनके पारस्परिक सौहार्द बढ़ेंगे जिस प्रकार से सऊदी अरब के अंदर भारत के रहने वाले तमाम दृष्टिकोण पहले तय कर लिया जाता है तब जाते हैं। जी अरबी उपाध्याय, सऊदी अरब जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका जा चुके हैं वो कई बार, तीसरी बार उनका दौरा है अमेरिका का, बेल्जियम गए हैं, यूरोपीय कंट्रीज में गए हैं, कई यूरोपियन कंट्रीज में वो गए हैं, सऊदी अरब के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए वो बड़ा क्लियर दिख रहा है, सऊदी अरब के सारे रिश्ते पहले भी ठीक थे और एक मजबूत देश है जी, और मजबूत देश होने के नाते उसके साथ संबंध और जितने मधुर होंगे उतना उसको इंडिया को बेनिफिट भी मिलेगा जी। लेकिन वहाँ बहुत सारे हमारे जो वर्कर हैं वो जाते हैं और हमारे पास जो पैसा जो आ रहा है आज की डेट में वो ज्यादातर फॉरेन से जो पैसा है वो हमारा जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनका ही पैसा एक्चुअल हमारे पास आ रहा है जी। हम कोई एक्सपोर्ट के मामले में और किसी उस संसाधन से उतना पैसा नहीं ला पा रहे हैं जितना कि हम मेन उसी से, तो एक उसको भी बल मिलेगा और वहां पर और ज्यादा लोग हमारे अकोमोडेट हो पाएंगे। भी हमारे पास मेन पावर है लेकिन वर्क नहीं है, तो वर्क फोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है और सस्ता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक बेनिफिट मिलेगा। और एक मधुर संबंध होने से जो तेल का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर उसमें भी कहीं ना कहीं हमें आज तो खैर विश्व में पूरे में क्रूड ऑयल जो भारत में आता है उसका 20% सऊदी अरब भारत को देता है। जी जी जी, जी। मैं उसी बात पे एक्चुअल में आ रहा था कि वो जो बहुत बड़ा हम इम्पोर्ट वहाँ से ऑयल का करते हैं, तो इसलिए हमारे जो रिश्ते हैं सऊदी अरब के साथ पहले और निर्यात भी सऊदी अरब में भारत का बहुत ज्यादा है, तकरीबन $11 बिलियन। जी 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 जी, देखिए वो अच्छा है तभी रिश्ते मधुर और मजबूत होंगे। अगर मान लीजिए हम इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज का क्या है, जो डेवलप कंट्री हैं उनका ये हो गया कि भी हम अपना माल बनाएं और वहां बेच दें और वहां से पैसा हम यहां ले आएं, अपने यहां रोजगार दें, बड़ा क्लियर सा एक्चुअल में हो गया है। तो हमारा भी फोकस एक्चुअल में वही होना चाहिए, अगर हम उस फोकस के साथ जाएंगे और उसमें अगर हम क्रियान्वयन करेंगे तो देश को एक भी रोजगार भी मिलेगा और फॉरेन का पैसा भी आएगा FDI से ही। इस यात्रा को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, सकारात्मक ले रहे हैं, आप बार बार केवल व्यापारिक दृष्टिकोण को चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जा पे प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा केवल व्यापारिक न देखिए, देखिए इसलिए आपसे ये सवाल किया था, सामरिक दृष्टि से यमन में क्या हुआ जी, सामरिक यमन में अगर देश का प्रधानमंत्री संवेदनशील नहीं होता, मानवता के प्रति जो जागरूक नहीं होता, तो इस देश का पहला विदेश राज्य मंत्री यमन में जाकर के गैर हिंदू मानवता के आधार पर लोगों को लेकर आता है। नहीं नहीं, ये आपने गलत कह दिया, मैं इस पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री हिंदू के प्रधानमंत्री है, विदेश राज्य मंत्री हिंदू के विदेश राज्य मंत्री, क्या कह दिया? जिस प्रकार से सांप्रदायिक इसमें जिस प्रकार से सांप्रदायिक कह के हमको दुराव किया जाता है, ठीक है, हम विदेश नीति पे चर्चा कर रहे हैं, विदेश दौरे पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये देश की राजनीति, ये देश के अंदर कभी अरबी उपाध्याय प्लीज, अरबी उपाध्याय ये हम देश के अंदर जो राजनीतिक उठा पटक है उसमें कह सकते हैं, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री किसी समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वहां पर जब गए जी तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं, हमारे साथ हो रहा है भेदभाव, नहीं तो भेदभाव क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है, राजनीतिक रूप से वहां पे भेदभाव करते क्या वो? नो, तो फिर आप कह रहे नहीं किया उन्होंने, हमने दृष्टिकोण क्या मानवता के आधार पर प्रधानमंत्री जी सारे देशों की यात्रा करने केवल आर्थिक दृष्टिकोण से मत देखिए, नहीं ठीक है, सामरिक दृष्टिकोण से भी देखना है, सामरिक दृष्टिकोण से सऊदी अरब की यात्रा निश्चित रूप से सामरिक भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण एक लाभदायक यात्रा है, आर्थिक रूप से भी सामरिक रूप से भी, नहीं ठीक है, ठीक है संदीप द्विवेदी, हम संदीप द्विवेदी से चाहेंगे जवाब, संदीप द्विवेदी ये कहीं ना कहीं जो मानसिकता नकारात्मक होती है शायद इसी वजह से इस तरह के शब्द निकल आते हैं क्या?
मुझे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को या जो सत्ता में लोग हैं जिनके पास एक दायित्व है उनको धर्म विशेष के साथ जोड़ के या धर्म के साथ तुलना करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी उनके वजन को कम कर दिया है। अपने आप को पार्टी खुद हाशिए पे ले लेती है और उनकी छवि खराब करती है पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखिए अगर सऊदी अरब के साथ प्रधानमंत्री जी का जो बजट है उसके पीछे कई और भी रीजन है। टूरिज्म सबसे बड़ा हमारा और सऊदी अरबियन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा आज सऊदी अरबियन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंडियन कंपनीज और इंडियन इंजीनियर्स और लेबर काम करती है। तीसरा ऑयल हमारी प्राथमिकता है और ऑयल कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा एक बिजनेस का स्कोप भी है। तो इन मुद्दों पे और कहीं ना कहीं वर्कर्स की सेफ्टी है क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे उठे हैं जहाँ पे इंडियन वर्कर्स जो वहां पे है उनके उनको लेके कई तरह दिक्कतें होती हैं, कई तरह की समस्याएं हैं वर्करों को, सब चीजों पे काफी हद तक कहीं ना कहीं मोदी जी ने कंट्रोल किया है। दूसरी चीज जैसे इन्होंने कहा है कि व्यवसायिक के अलावा भी सामरिक दृष्टिकोण, सामरिक और कई दृष्टिकोण है। तो अगर आप देखिए तो मोदी जी की एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट है जिनको सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि ये व्यापारी की तरह काम करते हैं, ये इनके ऊपर पूरी तरीके से ठप्पा लगा हुआ है और कहीं ना कहीं आज की जरूरत भी यही है। आप यूएस को देखिए उनका। अच्छा संदीप आपको रोक के एक सवाल करना चाह रहा हूं, मेरे ध्यान में सवाल आ गया, सामरिक दृष्टिकोण की जो बात चली है तो थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लें। ईरान से बड़े अच्छे संबंध भारत के रहे, हमेशा रहे हैं। और सऊदी अरब में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो रिलेशन है बहुत ही कटु रिलेशन है, ये जग जाहिर है, आपने देखा। क्या इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देगा? आपको लगता है कुछ ऐसा होगा कि जो दोनों देशों को नजदीक लाने की भी एक कोशिश हो सकती है? देखिए जब आप व्यापारिक तौर पे बिजनेस डेवलप करते हैं, अगर आप यूएस को देखिए, हम कितने भी उनके नजदीक जाएं या वो हमारे पास कितने भी नजदीक आए, साथ में झूले पे झूला झूलें, गले मिलें, कुछ भी करें, लेकिन लास्ट में तो उन्होंने बेच ही दिया ना। तो यही नीति कहीं ना कहीं आज की हमें अपनानी पड़ेगी कि हमें हर देश के साथ अपने रिश्ते संभालने हैं, उनका आपस में क्या विवाद है। नहीं, मैं ये असल पूछना चाह रहा था, आपसे जानना चाह रहा था कि क्या प्रधानमंत्री कोई रोल ऐसा प्ले करेंगे जो सऊदी अरब और ईरान के बीच जो कटुता है उसमें कुछ कमी आ सके? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी और सुषमा जी दोनों इस इशू को लेकर बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं, कर रहे हैं और अभी तक एक भी % ऐसा नहीं देखा गया जहां पे सऊदी अरब को ईरान से या ईरान को सऊदी अरब से प्रॉब्लम हुई हो और उन्होंने भारत को इस चीज पे टोका हो। हालांकि ये जरूर है कि अगर हम सऊदी अरब दोनों देशों के बीच में है संबंध, तो बड़ा कटु संबंध है, आपस में संबंध है लेकिन बहुत खराब संबंध है। मैं क्लियर बताता हूं है क्या ना, देखिए दो दुश्मनों का एक कॉमन दोस्त होता है, इसे हम मैं उधर ही जाना चाह रहा था, दरअसल मैं वही बताना चाह रहा हूं एक्चुअली। देखिए हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी मजबूत हैं और सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, तो बट नेचुरल है उन दोनों में जो खटास है उसको कम किया जा सकता है और दोनों अपनी जो भी बातें हैं वो एक जो कॉमन फ्रेंड होता है उसके नाते, और इसका असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट पे होगा बल्कि पूरे विश्व पे होगा, विश्व में होगा। जी बिल्कुल, भारत एक मध्यस्थ की भूमिका भी कर सकता है, वो कॉमन फ्रेंड होगा। जी बिल्कुल जी, अनुज आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं, अमेरिका में है, बेल्जियम में है और इसके अलावा भी कई देशों की उन्होंने यात्रा किया, आपको कई सारे एतराजात हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से भारत को क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें देखिए आप थोड़ा सा गलत तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत को कुछ नुकसान हो रहा है या कोई हमें उनकी विदेश यात्रा से ऐतराज है, ऐतराज नहीं है, ऐतराज उनकी बातों से है, उनके दावों से है और उनके जो जाकर के वो जितना समय विदेशों में दे रहे हैं और वो समय देश में ना दे करके देश का जो नुकसान हो रहा है और विदेशों से आप कुछ हासिल नहीं करके ला रहे हैं, उन बातों तो वो हमें थोड़ा सा जाकर के देखना, आप मुझे बोलने दीजिए इस बात को, जल्दी से बोलिए चूंकि हमारे साथ विदेश में जाके हर अपनी विदेश यात्रा में आतंकवाद के खिलाफ एक अपनी छवि, एक कट्टर छवि की दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प है। देश में आते हैं आप आतंकवादियों के सामने घुटने टेकते हैं, ये कौन सी छवि आप बनाना चाह रहे हैं? हमें ये समस्या भार है, आप बिना बताए आप जाते हैं किसी देश में पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, वहां पे बिरयानी खाने, केक खाने उनका, यहां आते हैं पठानकोट का अपना तोहफा लेकर के साथ में आ जाते हैं, ये कौन सी आप छवि दिखाना चाह रहे हैं देश में? उसके बाद आप पहले कहते थे हम एक के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, अभी आपने पठानकोट में आप जाकर के आप उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, भैया इंक्वायरी कर लीजिए, हमें इंक्वायरी करवा लीजिए, ये कौन सी छवि आप दिखाना चाह रहे हैं? ये कौन सी आप जमाने में जो होता था आपको भी रोकना चाहिए, इस तरह जरा अपने दर्शकों को बताते चले और आप लोगों की भी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इरफान रसूल साहब आपका स्वागत है, इरफान रसूल साहब आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
इरफान रसूल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी इरफान रसूल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को? देखिए, पूरा पसे मंजर ये है कि जिस तरह से अमेरिका के बाद वो सऊदी अरबिया, उनका दौरा तकरीबन शुरू हो चुका है और शायद वो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि अगर सऊदी अरब के पसे मंजर में ये बात की जाए, चूंकि ये पहला दौरा है और इस तरह से शाह फैसल के जमाने से, शाह अब्दुल्ला के जमाने से, और शाह सलमान जो अब मौजूदा प्रिंस हैं वहां, जाहिर बात है कि शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हाल ही में हुआ है, उसके बाद शाह सलमान जो इस वक्त बसर इख्तदार हैं, सऊदी फरमा रवा हैं, तो उनसे मोदी साहब की पहली मुलाकात होगी। यकीनन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के जो हिंदुस्तान के रिश्ते रहे हैं वो सदियों पुराने कह सकते हैं, बल्कि अगर बहुत माजी में जाएं तो शायद आजाद हिंदुस्तान के पसे मंजर में हम माजी से भी कुछ फायदा उठा सकते हैं। और जिस तरह अभी गुफ्तगू आप कर रहे थे कि वहां हमें जिस तरह से ऑयल का हमारा बिजनेस है, हमारा गोल्ड का बिजनेस है, और हमारा वर्किंग क्लास जो सऊदी अरब में वहां काम कर रहा है, उसके लिए तमाम ऐसा लगता है राहें हमवार होंगी। लेकिन साफ तौर पर यह पहली मुलाकात शाह सलमान से होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, तो इस पर तमाम जो इनके अपने मसवदे हैं उस पर दस्तखत भी होंगे और मुझे लगता है कि एक अच्छे हालात पैदा होंगे। साथ ही अभी मैं सुन रहा था ईरान के ताल्लुक से जो आपने बात कही कि ईरान पे इसका इम्पैक्ट, इसके असरात कैसे पड़ेंगे, तो मैं फैज एक बात बताऊं आपको कि ईरान से सऊदी अरब की वो तलखी अब बरकरार नहीं है, अभी वो तलखी कुछ फासले कम हुए हैं और मुख्तलिफ उमूर पर ईरान और सऊदी अरब कम होंगे के वजीर आजम, प्रधानमंत्री वजीर आजम के सऊदी अरब के दौरे से कुछ कम आएंगे? मैं समझता हूं कि ईरान और सऊदी अरब की जो तलखियां हैं वो यकीनन कम होंगी, चूंकि हिंदुस्तान का जो रोल रहा है ईरान और सऊदी अरब के माबेन और दरमियान वो यकीनन बहुत मुस्बत और पॉजिटिव रहा है, तो इस बात की भी कोशिश होगी कि दोनों मुल्कों की जो तलखियां हैं उनको कम किया जा सके, और हिंदुस्तान ने एक बड़ा रोल हमेशा इसमें प्ले किया है, तो इस बात की भी कोशिश होगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी, उनकी मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी, तबादले ख्याल होगा, मुझे लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही खुशाइंद है यह दौरा, यकीनन जो मक्का मदीना जिस मुल्क में आबाद है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा हिंदुस्तानी मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खुशाइंद है, और इससे बेहतर नतायज की उम्मीद हमें करनी चाहिए। बिल्कुल अनुज यात्रा कैसे देंगे, बेहतर नतायज की उम्मीद की जा रही है, बहुत बड़ा दौरा है ये, और आपने सुना इरफान रसूल कह रहे हैं कि वाकई तलखी कम होगी ईरान और सऊदी अरब के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी भारत को। देखिए, हमारी शुरू से विदेश नीति रही है और हमारे देश की एक छवि ऐसी रही है, हमारे सऊदी अरब के साथ भी बहुत ही प्रगाढ़ संबंध, हमारा मित्र देश रहा है, ईरान भी हमारा मित्र देश है, और हम पहले भी उन दोनों के साथ बीच में कहीं ना कहीं बैठ करके उनके दूरियां दूर करने में अहम रोल निभाते रहे हैं, ऐसा नहीं है, और मोदी जी भी इस कड़ी में अगर आगे बढ़ते हैं और किसी प्रकार की भी उनकी दूरियां मिटाने में कामयाब होते हैं तो हमारे देश की एक हमारी परंपरा रही है और उस परंपरा को आगे निर्वाह करेंगे और आप स्वागत करेंगे। हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने, कोई भी बड़ा करके आपने बहुत कुछ कह दिया। शैलेंद्र जी, कैसे लेंगे अनुज यात्रा की इन बातों को, खास करके जो इरफान रसूल ने कही है? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस सदैव विचार में उसके रहा है जी कि भारत ही विकास न करे, समूचा विश्व एक परिवार है, वो साथ के साथ विकास और समृद्धि के साथ साथ खुशहाली के साथ आगे बढ़े जी। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते मधुर हों, भारत इसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है जी। और देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा शेर कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेकिंग वर्ल्ड का भी सपना उसके विजन में होगा, और भारत में किसी प्रकार का ही नहीं विश्व में भी एक शांति का अगर कोई प्रयास शुरू हो सकता है कूटनीति की जरूरत है, तो कूटनीति की जरूरत है बिल्कुल। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सऊदी अरब मेरे भारत के साथ, वहां पर रहने वाले इंजीनियर, रहने वाले वहां पर आर्किटेक्ट और एक तबका मजदूर तबका भारत का सबसे अधिक संख्या में विदेशों में अगर कहीं है तो वो सऊदी अरब गल्फ कंट्री के अंदर है, और उसका प्रभाव ईरान और हमारे सऊदी अरब के जो सब प्रवास है माननीय प्रधानमंत्री का, कहीं ना कहीं ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी की एक मंशा दोनों देशों में अच्छे सौहार्द की। क्या आप ये मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाकर के, जो भारत से तकरीबन 1,34,000 से 40,000 हज यात्री जाते हैं, उन्हें और सहूलतें दी जाएं? निश्चित रूप से जी, भारत हर विषयों पर चर्चा करना चाहेगा जी, और निश्चित रूप से भारत
कि प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में होगा कि भारत का जो भी नागरिक सऊदी अरब में रह रहा है या जो हज यात्रा के दौरान जाते हैं, जिस प्रकार से कई बार ऐसे असामयिक घटनाएं वहां हज के दौरान होती हैं, तो उस देश से भी बात करनी चाहिए और कहना भी चाहिए कि मेरे देश के जो हज यात्री आते हैं वो मेरे प्रिय देशवासी हैं, उनके प्रति जो भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है सऊदी अरब को करना चाहिए, क्योंकि मेरे तमाम इस देश के 30 करोड़ लोगों की एक पवित्र आत्मा और उनके एक पवित्र जगह आपके देश के अंदर है, उसमें उनकी हिफाजत, उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा की चिंता भी भारत को है, जितनी भारत को है उससे अधिक सऊदी अरब को भी करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि सऊदी अरब की यात्रा से भारत के संबंध और सऊदी अरब के संबंध इतने मधुर होंगे, जिस प्रकार से हमारा कहा जाए रोटी और व्यापार का रिश्ता सऊदी अरब के साथ इस प्रकार से जुड़ रहा है, देश के अंदर जो थोड़ा सा उठा पटक का माहौल है उसमें भी खत्म होगा। जी आरबी उपाध्याय, थोड़ा सा सकारात्मक लेके चले हम। जी आरबी उपाध्याय जी, देखिए बट नेचुरल है, जब वहां जाएंगे तो ईरान और जो इनका अपना है वो भी उसमें भी हम रोल अदा करेंगे, और जहां तक अभी मक्का मदीना में जो हमारे हज यात्री जाते हैं, जब हम किसी वार्ता करते हैं तो सभी टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, उसमें ये बात भी आएगी कि भी हमारे यात्री यहां पर आते हैं और वो लोग भी जानते हैं और अपनी तरफ से वो यात्री नहीं है, वो एक प्रकार से धर्म स्थल पर जाने वाले तीर्थ यात्री और उनके जो प्रिविलेज है तीर्थ यात्री के, वो सऊदी अरब को भारत के साथ। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके कहने से ही सब कुछ होता है, पहले भी वहां तीर्थ यात्री जाते रहे और उनकी भी देखभाल ठीक है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को आगे बेहतर क्यों है, राजनीति बहुत होती है, कुछ अच्छी चीजें हम बोलने ताकि सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे, आता है तो हम भी वही करते हैं भारत, ये तो हर कंट्री की ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। महेश भाई, भारत के प्रत्येक मानव और प्रत्येक नागरिक ये चाहेगा कि देश के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत के हित में, भारत के सामने, बिल्कुल हर कोई चाहेगा, प्रधानमंत्री एक समाचार पढ़ रहा था, देश का भला हो, जल्दी से वक्त बिल्कुल कम है, बेल्जियम रेलवे स्टेशनों में मदद करेगा, उनके विकास और सौंदर्यीकरण में निवेश करेगा, ऐसी खबर आपके अखबारों में, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा है, तो बेल्जियम की यात्रा भी फ्रूटफुल यात्रा रही, जल्दी से हम माइंड अप करना है, सिग्नल आने शुरू हो गए, देखिए आपका कहना जी कान में सिग्नल आने शुरू हो गए, हमें वाइंड अप करना होगा, लेकिन जाते जाते आप लोगों से अंतिम प्रतिक्रिया लेते चले। इरफान रसूल आप को हमारी आवाज में, सुबह तक शाम मुलाकात चले, यूं ही हस्ती भी तारों भरी रात चले, फैज में माजी में जाऊंगा, जिस तरह शाह फैसल के हिंदुस्तान में यहाँ पे खैर मकदम किया गया था, यकीनन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम उसी तरह सऊदी अरबिया में भी किया जाएगा, और ये बहुत ही खुश आइंद है, और हिंद महासागर पूरा मुझे लगता है ऐसा लगता है कि वाकई अपनी हकीकत और अपनी तारीख को दोहराएगा, और ये जो बेहतर नतायज अर्ज किए जाएंगे इसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस बात का दावा करता है कि वो सऊदी अरब के इंतहाई करीब तरीन है, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम की ये मुलाकात यकीनन काफी असरअंदाज होगी अपने पड़ोसी ममालिक पर भी, और ईरान की तलखियां भी सऊदी अरब से कम होंगी, मैं फिर वो बात दोहराऊंगा। जब वो ब्रसेल्स में संबोधित कर रहे थे भारतवासियों को, तो पाकिस्तान पर एक तरह से कटाक्ष भी किया और साथ में उम्मीद भी जाहिर की कि एक न एक दिन हमारे पड़ोसी देश को ये बात समझ में आएगी और शांति की मेज पर बैठकर के तमाम मुद्दों को सुलझा लेंगे हम। जी इरफान रसूल, जल्दी से। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शायद इस बात का भी यकीन कामिल न रहा होगा कि वजीर आजम से हिंदुस्तान के बढ़ते कदम इस तरह से करीब तर हो जाएंगे कि पाकिस्तान इस बात पर शायद मुझे लगता है कि पशेमा भी होगा, क्योंकि हमारी कुर्बत सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से पाकिस्तान ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए बहुत ही करीब तरीन है, फिर पाकिस्तान को इस बात का एहसास होगा, क्योंकि इतना हिंदुस्तानी एक बड़ी तादाद में सऊदी अरब में जो वर्कर तबका है, जो मुख्तलिफ अकाबरीन, मुख्तलिफ कायद और मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए वहां लोग काम कर रहे हैं, ये यकीनन बहुत बड़ा अमल था फैज, और इस बात की कोशिश होनी चाहिए जिस तरह हज की आपने बात की, यकीनन हज के दरवाजे भी और खोले जाएंगे, मजीद सहूलत बढ़ाई जाएगी, यकीनन पेशरफ्त होगी, कोटा बढ़ाने की कोशिश होगी, सबसे अच्छी बात है बीजेपी नेता ने भी ये मांग की है, शैलेंद्र जी ने भी ये मांग की है
कि हाजियों की सहूलतों में इजाफा किया जाए। पार्टी से हट के देखें फिर, इसको बीजेपी कांग्रेस ना करें, इस पर इस बात की कोशिश करें कि हिंदुस्तान का वजीर आजम और शाह सलमान के दरमियान जो गुफ्तगु होगी यकीनन ये अवाम के हक में बेहतर होगी। बहुत ही खुशाइंद बहुत ही खुशाइंद है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं। इरफान रसूल, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही आखिर में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी को रोशन रोशन हकीकत है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चूंकि हमारे पास वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना हम आगे भी इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते, लेकिन सभी से हम माफी चाहेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। हम सीधे सीधे यही कहते जा रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और उम्मीदें पूरी भी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड में इतना ही, नमस्कार।